नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में इन 8 एजेंडों पर लगी मुहर। जातीय जनगणना पर सुनवाई आज भी रहेगी जारी। बिहार के इन 6 विश्वविद्यालयों को मिली परीक्षा की टाइमलाइन। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज। एवी डिविलियर्स ने बताया किन 2 भारतीय खिलाड़ियों से करना चाहते हैं कंपटीशन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कैबिनेट की बैठक में इन 8 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि बीते दिन हुए इस बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। वहीं बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन चर्म एवं वस्त्र नीति 2002 का अवधि विस्तार कर 30 जून 2024 तक करने के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आसूलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही इस बैठक में कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई, जिनमें भवन निर्माण विभाग के बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति मिली है। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की स्वीकृति दे दी गई है। राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृत 8 पदों में लिपिक ग्रेड 2 में 2 पदों को समायोजित किया गया। राज्य स्तर के मामलों पर सरकारी वकील की नियुक्ति महाधिवक्ता कानून सचिव की कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसकी अंतिम स्वीकृति कानून मंत्री देंगे। जिला स्तर के मामले के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध। IPRT बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के 27 जिलों में नव संचालित 27 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में निःशुल्क सुविधा प्रदान करवाई जाती है। बता दें कि इस विद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली छात्राओं को निःशुल्क नामांकन होता है और साथ ही उन्हें निःशुल्क आवासन भी दिया जाता, जहां 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। वहीं मेनू के अनुसार छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा वस्त्र, पुस्तक, दवा आदि की राशि छात्राओं को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही छात्राओं को आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशाला भी मिलेगा। छात्राओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास आदि सिखाया जाएगा। निःशुल्क प्रतियोगी पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/citizenhome.html पर जाकर देख सकते हैं। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान का जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। यह भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। बता दें कि 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामला मंत्री पद की शपथ ली थी। श्री पासवान जी के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है, जिनमें PV सिंह, SD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। बाद में 1974 में इसके गठन पर वह लोक दल में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। 1980, 1989, 1996 और 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुने गए। 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाया। इसके बाद 2004 में वह सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। उन्होंने 2004 का लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2009 का चुनाव हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य रहने के बाद वह 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने।
चुने गए। 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर विजयी घोषित हुए थे। पहली बार ही लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सर्वाधिक वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बता दें कि रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिहार स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बिहार स्टेनोग्राफर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए एग्जाम तिथि की घोषणा कर दी गई है। बीएसएससी की ओर से एग्जाम तिथि 30 जुलाई 2023 तय की गई है। बता दें कि जारी किए गए नोटिफिकेशन से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि परीक्षा एक पाली में संपन्न कराई जाएगी। वहीं वे उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनके लिए बहुत जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, जिसे उम्मीदवार बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा से कुल 232 पदों को भरा जाना है, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए 225 पद एवं इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 7 पद निर्धारित किए गए हैं। मालूम हो कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई से 19 जून 2023 तक की गई थी। जातीय जनगणना पर सुनवाई आज भी रहेगी जारी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई आज भी यानी कि 5 जुलाई को भी जारी रहने वाली है। बता दें कि बीते दिन हुए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण कराई जा रही है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा के प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट के अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई जा रही जातीय व आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी। नीरा उत्पादन व बिक्री में बिहार का यह जिला नंबर वन। राज्य में नीरा उत्पादन व बिक्री में बिहार का गया जिला नंबर वन है। बता दें कि अब तक जिला में 18 लाख लीटर से अधिक नीरा का उत्पादन हो चुका है, तो वहीं 17 लाख लीटर से अधिक नीरा का बिक्री किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया जिले में 14 लाख के करीब ताड़ के वृक्ष है। वहीं नीरा ताड़ वखजूर के पेड़ों से ही एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मालूम हो कि राज्य सरकार के द्वारा भी नीरा को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि राज्य में ताड़ और खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरा नॉन अल्कोहलिक प्राकृतिक पेय पदार्थ है, यानी कि इसका सेवन करने पर नशा नहीं होता। इसके साथ यह शरीर को अच्छा पोषण भी प्रदान करता है और साथ ही गर्मी के दिनों में यह लू और गर्मी से काफी राहत देने का काम करता है। इसके अलावा यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता। इंटर परीक्षा हेतु जारी हुए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में 10 जुलाई तक करवा सकते हैं सुधार। 2024 का द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार बोर्ड द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा को लेकर जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार के बाद उन विद्यार्थियों का संशोधित द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है। 10 जुलाई तक इस दूसरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार किया जा सकेगा। स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य इसमें सुधार कर सकेंगे। मालूम हो कि कई बार विद्यार्थियों के नाम, अभिभावक के नाम, जन्मतिथि, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय या कोटि आदि में त्रुटि देखने को मिलती है, जिस वजह से इसी तरह के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि उसमें सुधार किए जा सके। यदि इसमें किसी प्रकार के सहायता की जरूरत पड़े तो आप 0612-223-0039 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य में 50 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ का विभाग ने शुरू किया सर्वेक्षण। राज्य में 50 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष में शामिल किया जा सके, इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा विशेष सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वे सभी वृक्ष जो 50 साल या उससे अधिक पुराने हैं उन वृक्षों का फोटो, लंबाई, मोटाई, प्रजाति सहित विभिन्न तरह की जानकारी मांगी जा रही है। बता दें कि वर्ष 2022 के मार्च महीने से वर्ष 2023 के जून महीने तक ऐसे 15,150 पुराने वृक्षों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया गया है। वहीं अब यह खोज अगले 3 साल तक चलने वाली है। मालूम हो कि इन वृक्षों को वृक्ष विरासत की श्रेणी में शामिल करने से पहले उसकी जांच बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही विभाग की ओर से प्रति वृक्ष विरासत वृक्षों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मालूम हो कि इन सबके अलावा वृक्षों के चयन करने के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति के 40,000 सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे कुम्हरार पार्क के बारे में। कुम्हरार के इतिहास का पता 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है, जब राजा अजातशत्रु ने यहां एक किला बनवाया था। उनके पुत्र राजा उदय ने मगध साम्राज्य की राजधानी को यहां स्थानांतरित करते समय क्या कर रहे थे, इसका महत्व शायद नहीं जाना होगा, लेकिन यहीं से पाटलिपुत्र का जन्म हुआ और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन था, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य हो सकता है। पटना के आसपास खुदाई में प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेष खुले हैं और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण निष्कर्ष कुम्हरार में थे, जहां लकड़ी के मंच और मठ सह अस्पताल के साथ एक 80 स्तंभ आधारित सभा कक्ष की खोज की गई थी। हालांकि हॉल को शुरू में शाही दरबार माना जाता था, लेकिन बाद में पुरातात्विक निष्कर्षों से पता चला कि अशोक के समय में निर्मित बौद्धों के लिए एक सभा कक्ष था। संभव है कि यह तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया हो। पार्क में मठ सह अस्पताल जैसे आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है, जो कि चौथी पांचवी शताब्दी का माना जाता है। इस स्थल पर अंकित धन्वंतरी के साथ एक छोटा सा बर्तन इस स्थल पर पाया गया, जो इस विश्वास को बल देता है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी ने अस्पताल चलाया था। राजगीर और गया में श्रद्धालुओं को पीने को मिलेगा गंगा जल। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि गया और राजगीर में श्रद्धालुओं को पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मॉनसून की शुरुआत के साथ फिर से गंगा नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर गंगा जी राजगीर जलाशय में संग्रह शुरू कर दिया गया है। हमें खुशी है कि राजगीर में आज से शुरू श्रावणी मेले और 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहे प्रसिद्ध मलमास मेले में पहुंचने वाले साधु एवं श्रद्धालु इस बार शुद्ध गंगा जल से प्यास बुझाएंगे। माननीय सीएम श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को मानसून सीजन में लिफ्ट कर गया, बोधगया और राजगीर ले जाकर वहां सालों भर पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। योजना को केंद्र सरकार की संस्था द्वारा जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में पुरस्कृत किया जा चुका है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा प्रभाकर रंजन व अन्य याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर की गई शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। बिहार राज्य स्कूल शिक्षक रूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। रूल 2006, रूल 2008, रूल 2012 और रूल 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को बिना हटाए नया रूल लाया गया है। पूर्व के प्रावधानों के अनुसार इन स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका के हाथों में था, लेकिन इन रूल को हटाए बिना नया रूल ले आया गया है। इस विज्ञापन के आधार पर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली सही नहीं होगी। अरुणा बनी आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल। बिहार रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जीविका में कार्यरत मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के रहटा गांव निवासी अरुणा देवी के द्वारा किरण जीविका स्कूल स्तरीय संघ एवं प्रकाश जीविका ग्राम संगठन के सहयोग से किराने की दुकान का संचालन प्रारंभ किया गया है, जिसके बाद उन्होंने दुकान की आमदनी से पेलर मशीन की खरीद कर तेल पड़ाई का भी कार्य शुरू किया, जिसमें जीविका से जुड़े परिवारों से सरसों खरीद कर वह मिल में पिराई कर अपने दुकान में बेचती हैं और इस व्यवसाय से उनका मासिक आमदनी लगभग 50,000 रुपए हो जाता है। वहीं अब करुणा की जिंदगी जो आर्थिक तंगी में कट रही थी, वह जीविका से जुड़ने के बाद बदल गई है। बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की अधिकतम फीस तय। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के गैर सरकारी स्व वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि निर्धारित किए गए फीस के अनुसार सालाना शुल्क प्रति विद्यार्थी 60,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 2 वर्षों के लिए 1,20,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसे लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्धारित की गई यह फीस अधिकतम फीस है। यह शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर किया गया है। विभाग के द्वारा जारी किए गए इस अधिसूचना से छात्रों को मनमानी फीस से मुक्ति मिलेगी। राज्य में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के लगभग जिलों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में आईएमडी बिहार के द्वारा राज्य में 2 दिनों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आईएमडी बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 5 जुलाई को राज्य के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं कल यानी कि 6 जुलाई की बात करें तो राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 7 और 8 जुलाई को लेकर आईएमडी बिहार की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
बिहार के इन दो जिलों में शराब की खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में इन पर लगाम कसने के लिए बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पटना जिले की मड़ांची पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 450 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बेतिया जिले के मझौलिया पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल से कार पर लाई जा रही 578 पीस नेपाली कस्तूरी यानी 173 लीटर नेपाली शराब सहित टाटा विस्टा BR5M0395 को जब्त। इन दोनों जगहों पुलिस को देखते हुए शराब तस्कर भागने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा गाड़ी की जब्ती कर ली गई है और छापेमारी की जा रही है। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन हेतु विस्तारित हुई तिथि। बिहार सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा JEE मेन 2023 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि JEE मेन 2023 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन हेतु BCECE बोर्ड पटना द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाकर 7 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है। ऐसे में 7 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालयों में नामांकन से वंचित रह जाएंगे और फिर उन्हें दोबारा इस वर्ष नामांकन लेने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी BCECE बोर्ड की वेबसाइट BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मालूम हो कि JEE मेन 2023 के मेघा के आधार पर BCECE बोर्ड पटना के द्वारा दो चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार के इन 6 विश्वविद्यालयों को मिली परीक्षा की टाइमलाइन। राज्य के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां सत्रों को समय पर खत्म नहीं किया जाता। ऐसे में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ठोस कदम उठाया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के उन 6 विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक सत्र वार परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि एवं परीक्षा फल घोषित करने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है, जिनमें स्नातक और स्नातोत्तर सत्र काफी सालों से लंबित चल रहे हैं। बता दें कि इन 6 विश्वविद्यालयों में BRA बिहार विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय शामिल है। मालूम हो कि जारी किए गए टाइमलाइन के अनुसार विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने का समय जुलाई से दिसंबर मध्य तक निर्धारित किया गया है। अब पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक से भी पाए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को न केवल पोस्ट ऑफिस बल्कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों से भी पाया जा सकता है। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है और देश का पहला ऐसा सरकारी बैंक बन गया है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है। मालूम हो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लागू और ऑपरेट करने की परमिशन सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों और एलिजिबल प्राइवेट बैंकों को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा 27 जून 2023 को जारी किए गए एक ई बजट नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया था। बता दें कि इस योजना में निवेश करने पर महिलाओं को 7.5% सालाना रिटर्न दिया जाएगा। मौजूदा इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार इस योजना के तहत होने वाली सभी कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। हालांकि इस योजना पर TDS नहीं काटा जाएगा। सिस्टम के तहत अकाउंट वर्ष 2025 के मार्च महीने तक खोला जाएगा। आज है RJD का 27वां स्थापना दिवस। आज यानी कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस है। ऐसे में पार्टी कार्यालय को हरे रंग से सजाया गया है, जो कि पार्टी का रंग है। बिहार की राजधानी पटना के कई जगहों पर सड़क पर तोरण द्वार भी लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RJD पार्टी की स्थापना लालू प्रसाद यादव के द्वारा 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में 1997 में की गई थी। इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। स्थापना के साथ ही लालू यादव को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया था और उस समय से लेकर अब तक पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ही बने हुए हैं। मालूम हो कि लालू यादव ने RJD पार्टी बनाने का निर्णय तब लिया था जब 4 जुलाई 1997 की शाम को पूर्व PM इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लालू यादव भी मौजूद थे। इस दौरान लालू यादव से कहा गया था कि वे CM पद से इस्तीफा दे दें, हालांकि उन्हें जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए। बता दें कि उस दौरान लालू CBI की गिरफ्त में घिर चुके थे और लालू यादव की एक बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद अगले दिन 5 जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी अलग पार्टी RJD बना ली।
एबी डिविलियर्स ने बताया किन दो भारतीय खिलाड़ियों से करना चाहते हैं कंपटीशन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स के द्वारा एक इंटरव्यू में अपनी मन की बात बताते हुए उन्होंने बताया कि वह किन दो भारतीय खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित ही मैं खेल सकता हूं, मगर अब वो चाहत नहीं बची है। यह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बने रहने के बारे में था। अगर मैं वापसी करूँ तो सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहता हूँ और सूर्या व कोहली से प्रतिस्पर्धा करना पसंद करूंगा। मैंने अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। मेरे ख्याल से यह जरूरी चीज है इम्पैक्ट प्लेयर के कारण। मुझे पता है कि कई लोग जश्न मना रहे हैं या खिलाड़ियों का करियर बढ़ाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं साल में केवल 2 या 3 महीने क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना है। अगर आप साल में 3 महीने खेलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते, कोई चांस ही नहीं। हाँ, आप 9 महीने अभ्यास कर सकते हैं मगर मैदान में किए गए अभ्यास का कोई सानी नहीं। तो जिस मिनट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत खत्म हुई तो मुझे लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस कारण पिछले कुछ साल मुश्किल बीते। मुझे लगा कि मैं अब भी बढ़िया पारी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहता हूँ। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब ने 1658 में अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में शाही स्वीकृति मिल गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1954 में हुई। भारत की 1968 में पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची। तमिलनाडु में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन 1998 में हुआ। राजन महादेवन ने 1981 में गणित के पाई के 31,811 अंकों की गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। समकालीन कवि एवं लेखक ज्योति खड़े का जन्म 1956 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म 1995 में हुआ। अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरु दत्त का निधन 1877 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन 1957 में हुआ था। रतन टाटा ने कार मालिकों को मॉनसून में सफर पर निकलने से पहले दिया ये संदेश। रतन टाटा के द्वारा ट्वीट कर कार मालिकों से मॉनसून में सफर पर निकलने को लेकर एक अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब जबकि मॉनसून आ गया है, बहुत सारी आवारा बिल्लियां और कुत्ते हमारी कारों के नीचे आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने वाले आवारा जानवरों की चोटों से बचने के लिए अपनी कार को चालू करने और गति बढ़ाने से पहले उसके नीचे जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने वाहनों के नीचे उनकी उपस्थिति से अनजान हैं तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं और यहां तक कि मारे भी जा सकते हैं। यह हृदय विदारक होगा यदि इस मौसम में बारिश होने पर हम सभी उन्हें अस्थायी आश्रय प्रदान कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा को पहले से ही डॉग प्रेमी के रूप में जाना जाता है। रिलायंस ने 999 रुपए में लॉन्च किया 4G फोन जियो भारत V2। रिलायंस जियो के द्वारा 999 रुपए की कीमत का एक नया मोबाइल और साथ ही 2 नए प्लान्स लॉन्च किए गए हैं, जिसे 2G मुक्त भारत के तहत पेश किया जा रहा है। बता दें कि इस फोन का नाम जियो भारत फोन दिया गया है। मालूम हो कि यह फोन बेसिक फीचर फोन है, लेकिन इसमें इंटरनेट चलाया जा सकेगा। हालांकि इसके साथ जियो का प्लान लेना होगा। इसकी शुरुआत कीमत 123 रुपए मंथली निर्धारित की गई है। इस 123 रुपए में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगा और 14 GB डेटा मिलेगा। वहीं एनुअल प्लान के तहत यूजर्स को 1,234 रुपए देना होगा, जिसमें इन्हें 168 GB डेटा मिलेगा। अगर इस फोन के फीचर की बात करें तो इसमें आपको UPI पेमेंट का सपोर्ट मिलेगा, जो कि केवल जियो पे के लिए होगा। इसके अलावा इसमें कैमरा 4.5 सेंटीमीटर की TFT डिस्प्ले, 1000 mAh बैटरी, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, फोन का वजन 71 ग्राम और फोन में 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। इस फोन में जियो सिनेमा, जियो सावन और FM रेडियो का सपोर्ट भी है। इसके साथ ही इसमें फ्लैश भी दिया गया है, जिसे टॉर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फोन के साथ यूजर्स को जियो सिनेमा का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा और इसके अलावा ये फोन 22 भाषाओं में काम कर सकेगा। बता दें कि इस फोन की बिक्री 7 जुलाई से शुरू हो रही है। रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। बीते दिन एक बार फिर से कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ। बता दें कि IT और बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी के चलते BSE सेंसेक्स 274 अंकों के उछाल के साथ 65,469 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66 अंकों के उछाल के साथ 19,389 अंकों पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 145 अंक या 0.32% के उछाल के साथ 45,301 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी IT में 305 अंकों या 1.04% की उछाल देखी गई। इसके अलावा फार्मा, FMCG, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स में उछाल के साथ बंद हुए, जबकि ऑटो, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 19 शेयर तेजी के साथ तो 11 गिरकर बंद हुए, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में 30 शेयर तेजी के साथ तो 20 गिरकर बंद हुए।
दशरथ मांझी के बेटे ने सीएम नीतीश से मांगा टिकट। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कुछ दिनों पहले ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। वहीं अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि दशरथ मांझी ने यह बात एबीपी के साथ हुई खास बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि जब उनकी मुलाकात सीएम नीतीश से हुई थी तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने उनके पिता के सभी सपनों को पूरा किया है, जिसे दशरथ मांझी चर्चा में आए और अब भागीरथ मांझी खुद चर्चा में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने नीतीश कुमार से एमपी का टिकट मांगा था तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे टिकट मिलेगा। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया था कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बोधगया और गया, जहां से सीएम नीतीश बोलेंगे वहीं से लड़ेंगे। बीते दिन मद्रा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मद्रा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र रविदास, कमलेश शर्मा, के सिंह, अर्जुन राम, रामनवी मांझी, विजय घायल, नुनु गोलू कुमार, नवल कुमार, प्रहलाद कुमार, अतीक खान, उदय कुमार पासवान, राजीव कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, ब्रजेश कुमार, विशाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए 25 बड़ी खबरों में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।